व्यास पीठ पर विराजमान श्रद्धे कमलेश्वर नाथ जी न्यायमूर्ति अरुण जी विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष आलोक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी प्रकाशक महोदय उपस्थित दिल्ली के सम्मानित श्रद्धे माता बहनों सज्जनों मेरा प्रणाम स्वीकार करें कमलेश्वर नाथ जी ने बहुत कुछ बोल दिया थोड़ा थोड़ा लिंक जोड़कर इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी स्मृतियों को अतीत को याद करूंगा बताई दिया कि 1950 में एक मुकदमा दायर हो गया एक भक्त के द्वारा उन्नीस में दूसरा मुकदमा दायर हो गया वो भी एक हिंदू साधुओं के समूह के द्वारा दोनों की इच्छा अलग अलग थी वो बताया उन्होंने उन्नीस में मुस्लिम समाज ने मुस्लिम कम्युनिटी ने मुकदमा दायर कर दिया उसको मस्जिद घोषित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के हाथ में यह लड़ाई आई उन्नीस में अब उन्नीस से तिरासी कितने दिन होते हैं तो पहले इस विषय का अध्ययन करो तो अध्ययन किया मैंने नहीं किया अशोक सिंघल ने किया अध्ययन करने के बाद ध्यान में आया कि जनता तो जानती ही नहीं राम जन्मभूमि क्या है इसलिए पहले जनता को जनाओ और एक आयोजन शुरू किया गया उस आयोजन से इतनी ऊर्जा पैदा हो गई कि राम जन्मभूमि पर ताले पड़े थे मस्जिदों में ताले नहीं होते कहीं वहां ताले थे वो ताले खोलने का आदेश 1 फरवरी 1986 को अदालत से हो गया हिम्मत आ गई और अब लगा कि आगे बढ़ सकते हैं लेकिन साथ साथ यह भी लगा के मुकदमे पढ़ो तो आपने नाम बता दिया जस्टिस देवकीनंदन अग्रवाल उनके साथ एक दो लोग और थे वीकेश चौधरी वीरेंद्र कुमार सिंह चौधरी और भी लोग थे ये दोनों लोग रात दिन इसी में झूलते थे किसी तीसरे व्यक्ति ने मैं नाम नहीं लूंगा ये सलाह दी कि मुकदमों की चर्चा मत करो हिंदुओं के मुकदमे में कोई ताकत नहीं है कान खड़े हो गए उसी से पूछा गया बताओ क्या करना है तो उन्होंने कहा कि कुछ नया विचार और नई टीम में कुछ लोग जोड़ो उन्होंने नाम का सुझाव दिया लाल नारायण सिन्हा पटना जो इंदिरा गांधी के कभी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हुआ करते थे उनके पास गए सब मुकदमे पढ़े गए और तब ध्यान में आ गया इसमें यह दोष है इसमें यह दोष है और एक एक नए मुकदमे की रचना नीव वहां से खड़ी हुई जिसका आपने उल्लेख किया है और वो शायद जुलाई जुलाई 1989 में या में फाइल हो गया एक जुलाई या समथिंग मुकदमा भगवान के नाम से हुआ वो तो मूर्ति है वो तो न चलती है न बोलती है तो उनका कोई चाहिए तो अदालत ने कहा आप ही इसका मुकदमा लड़िए उनको उन्होंने कह दिया वाद मित्र नेक्स्ट फ्रेंड और मैं समझता हूँ देव नंदन जी ने कभी कोई दूसरा कागज पढ़ा नहीं कोई दूसरा कागज पढ़ा नहीं वो अपने साथ टाइपिस्ट भी नहीं रखते थे छोटी सी टाइप मशीन खुद ही करते रहते थे आयु बढ़ने लगी तब उन्होंने ही कमलेश्वर नाथ जी का परिचय अशोक जी से कराया और एक अवसर पर आपने कह दिया अब ये बोझ मैंने संभाल लिया है आपने अशोक जी को कहा यह बोझ अब मेरे उप, मैंने ले लिया है छोड़ दो एक सलाह जरूर दी अदालत का नाम कभी मत लो काम करते रहो लड़ाई लड़ते रहो आंदोलन करो जागरण करो जो अदालत का नाम मत लो ठीक है फिर बात आई कि भाई कोई रिसर्चर चाहिए तो यहाँ एक एस एन भट्ट हुआ करते थे उन्होंने एक दिन मेरे सामने एक लड़की को लाकर खड़ा कर दिया ये रिसर्च का काम करेगी मैं सोचने लगे क्या करेगी लेकिन अब एस एन भट्ट ने कहा था तो टालू कैसे धीरे धीरे पता लगा वो तो आलोक जी की लड़की है मनीषा तो आलोक जी के घर गया कमलेश्वर नाथ जी छोटे छोटे पॉइंट दिया करते थे इसको और ये शोध करके ईमेल भेजती थी फिर ये उसके ऊपर नोट लिखते थे और वो वकीलों को दिए जाते थे सब वन टू थ्री फोर फाइव सब पर नंबर पड़े रहते थे और टॉपिक अब हम क्या समझे उनको हम तो वकील ही नहीं थे पढ़ते थे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत धीरे धीरे सब सीख गए और जब से आपने नाइनटी नाइन हाई कोर्ट में चला मुकदमा 2010 तक तो 10-11 साल कमिश्नर राज्य ने भी शायद कोई दूसरा कागज नहीं देखा और ना पढ़ा इस मुकदमे की एक एक बारीकी क्योंकि रिसर्चर प्रीवी काउंसिल ने कब इस विषय पर क्या बोला यदि केस आया तो देश की भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों ने क्या लिखा क्या बोला स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या लिखा क्या बोला यही तो रिसर्च है एक पॉइंट रहता था मुझे याद आता है एक पॉइंट जूरिस्टिक पर्सन इतना अध्ययन और कभी गुस्सा नहीं होना और सबको देना कोई भेदभाव नहीं कि हमारा एडवोकेट है ये हिंदू महासभा का एडवोकेट है या मक्का एडवोकेट ऐसा कुछ नहीं सबको देना उसका परिणाम है तो जब मैंने देखी मेरे से कहा कर लिख क्या लिखूं मुझे तो आप बता रहे ना दीदी पढ़ना अयोध्या में रहकर और पढ़ना समय ही नहीं वहां तो भजन कर सकते हो दो शब्दों का दो अक्षरों का शब्द दोहरा सकते हो बस लेकिन तो भी मैंने पहले अध्याय के कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश की और अपना मन में जो आया फिर अंदर से कोई बोलता गया और मैं लिख दिया तो ये मेरे मन में विचार आया है राम जन्म पर बहुत कुछ छपा है उन्नीस में जैसे वो फिल्मी गानों की किताब होती है ना इससे ज़्यादा राम जन्मभूमि की कोई किताब हमने तो देखी नहीं और अब तो शायद डेढ़ सौ से दो सौ पुस्तकें होंगी बड़े बड़े ग्रंथ होंगे सब ने लिखे हैं वकीलों ने भी लिखे हैं सब ने लिखे हैं अपने अपने ढंग से लिखे हैं सब पत्रकारों ने भी लिखे हैं लेकिन आपने जो लिखा है तो लगभग 10, 11, 12 साल तक जो हजारों प्रश्नों के डॉक्यूमेंट क्योंकि मुझे याद आता है सर्वोच्च न्यायालय में जब बात चली थी तो एक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है मैं अपनी उम्र में पढ़ नहीं सकता यह टिप्पणी कर दी उन्होंने इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है ये पढ़ा ही नहीं जा सकता अंततः हुआ तो इतने अध्ययन आपने किया है कानूनी पहलुओं से किया है उसका ये परिणाम है हमारे जस्टिस भवर सिंह जी तो शायद सात आठ साल इस बेंच में रहे और आपके साथ सुधीर नारायण जी भी थे उनकी बेटी है ये सुधीर नारायण जी ने ही जी सर्वे और ए एस आई एक्सकविशन का मैं यहाँ एक परिचय और करा दूँ मेरे हमारे बीच में बैठे हैं सीताराम ये प्रोफेसर हैं डॉक्टर हैं देखते ही मुझे याद आ गया नाम बोल दिया मैंने ये आईआईटी आई में डायरेक्टर थे कोरोना काल में 2021 में समस्या खड़ी हुई एक हजार साल का मंदिर है तो इसकी फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए लार्सन टुबरो ने फाउंडेशन के बारे में जो सोचा उसका ट्रायल अप टू दी मार्क नहीं आया सब चिंतित हो गए तो देश में जितनी आईआईटी दिल्ली गुवाहाटी बंबई, चेन्नई सीबीआरआई रुड़की एनजीआरआई हैदराबाद लार्सन टुब्रो टाटा इनके सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर इंजीनियर्स आईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर आईटी दिल्ली के रिटायर्ड डायरेक्टर एनआईटी सूरत के डायरेक्टर सीबीआरआई के डायरेक्टर और कोरोना तो सब ऑनलाइन मीटिंग होती थी इस कोरोना में इन्होंने कहा मैं तो साइट विजिट करूंगा और अकेले करूंगा मेरे साथ कोई नहीं चाहिए अभी कोरोना में कुछ हो गया तो क्या होगा इनको और ये साइलेंटली अयोध्या में और जन्मभूमि में प्रवेश कर गए सब कुछ देखते रहे पता नहीं क्या देखा और इन्होंने एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट लिखी कमेटी से हट करके ये होना चाहिए वही किया गया एक हजार साल आयु अगर पत्थर की है तो उसके कंधे भी उतने ही मजबूत होने चाहिए अर्थात फाउंडेशन भी वैसी होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट मैं आप सबको अपना प्रणाम निवेदन कर